प्यार किसे कहते हैं ये तू नहीं जानता, तू क्या जाने प्यार किसे कहते हैं। तो अरे प्यार तो दो में होता है ना, दो व्यक्तियों के साथ प्यार का संबंध होता है, बाप बेटा, माँ बेटा, स्त्री पति, भाई बहन, दो में, एक में कैसे प्यार होगा, क्या आकाश से प्यार करेगा वो? तुम तो अकेले थे। जो वशिष्येत सोस में हम, महाप्रलय के बाद एक केवल भगवान रहते हैं, नेह नानास्ति किंचन, और कोई कुछ कहीं नहीं रहता। और इसीलिए वेद में कह भी दिया, स एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा, क्योंकि दो नहीं है तो अकेला क्या करे बेचारा, किससे प्यार करे। और प्यार जो है ये तो सबका स्वभाव है, भगवान हो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। तू अकेला था, जिसका कोई और न हो। संसार में सबके बाप होते हैं, मां होती है, बेटा बेटी ना हो ना सही, मां बाप तो होते, न तेरे कोई मां है न तेरा कोई बाप है। जब आप लोग ये लिंक बनाते हैं, तुम्हारे बाप, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के बाप, तो कहते हैं ब्रह्मा, और ब्रह्मा के बाप भगवान, और भगवान के बाप कोई नहीं, उसके बिचारे में बाप लिखा ही नहीं था, मां भी नहीं, बस बेटे बेटे सब आवारा। अमृतस्तवी पुत्रा, सब जीव उसके बेटे हैं और सब नालायक। नंबर वन, कितना अभागा है भगवान। वो सखी कह रही है कि तुम अकेले थे और फिर अकेले रहोगे, न माता न पिता जस्य, कोई नहीं तुम्हारा, इसलिए तुम प्यार वार कुछ नहीं समझते हो। सीखो, हम लोगों के शिष्य बनो, सीखो तब प्यार की बात करो। ऐसे रास्ता चलते हैं, तुम मुझसे प्यार कर ले, ऐसे कोई बोलता है भला? हमारे संसार में ऐसा बोलने वाला तो चप्पलों से उसका स्वागत होगा। हर एक से, अपरिचित हो कोई हो, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ए प्यार करेगी? अरे कर ले कर ले, मैं तेरे लिए आया हूं गोलोक से। अरे जा जा, मेरे लिए आया है, बेशरम बेहया नकटा। हेलो, ये गालियां सुन सुन के विभोर हो रहे हैं श्याम सुंदर, क्योंकि गोलोक में तो गाली मिलती नहीं। हा? निरा मिठाई किसी को खिलाओ, एक दिन खा ले, दो दिन खा ले, चार दिन खा ले, फिर तो उसको उल्टी होने लगेगी। अरे भाई कुछ नमकीन भी लाओ, ये मिठाई मिठाई करके लाए जा रहे हो तुम। तो भगवान भी इसी प्रकार वेदों की स्तुति सुन सुन कर बोर हो गए। उन्होंने कहा आप चलो मृत्यु लोक में, वहां गाली खाने को मिलेगी। और प्यार की गाली तो हमारे संसार में भी मीठी लगती है। ससुराल की गाली आप लोग सुने होंगे, हमारे गांव में तो ढोल बजा बजा के गाली होती है, बाकायदा कई स्त्रियां इकट्ठी होके, और जो खाना खाने वाला होता है, गाली खाने वाला, वो और धीरे धीरे खाता है, और गावे और गावे ये थक जाए। वो कहती है हम थकेंगे नहीं, वो कहता है हम खाने से उठेंगे नहीं, क्योंकि दुर्भावना नहीं है, वो परिहास है। जैसे अप्रैल फूल बनाते हैं लोग, पहली अप्रैल को, होली पर अनेक प्रकार के खेल करते हैं फूल बनाने बनने का, तो उसमें दुर्भावना नहीं होती, इसलिए वो गाली भी मीठी लगती है।